लिए क्षमा चाहती। वैसे त्योहारों का मौसम है तो हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि चाय की खोज कैसे हुई, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चाय प्रसिद्ध कैसे हुई। चीन में चाय अपने पैर पूरी तरह से पसार चुकी थी। राजा चीन का राजा ने लोगों को यह हिदायत दी थी कि वो इसकी रेसिपी किसी को ना बताए, मगर ये पत्तियां तो प्राकृतिक थी, ये घर चुकने वाली थी। साधु संत और बौद्ध धर्म को मानने वाले इन पत्तियों का सेवन करने लगे। जैसे ही उन्होंने इन पत्तियों का सेवन किया, उनकी सुस्ती भाग गई, शरीर में गर्मी आई, चुस्ती आई, और वे आसानी से साधना करने लगे। जैसे ही उनको इन पत्तियों का फायदा मालूम हुआ, उन्होंने इन पत्तियों को सहेज कर रखना शुरू कर दिया। वे जहां जहां जाते इन पत्तियों की चाय बनाकर पीते और इसका प्रचार करते। देखते ही देखते चाय का प्रचार होने लगा। जहां चीन चाय को एक राज बनाकर रखना चाहता था, वहां नेपाल, जापान, भूटान और भारत में इसका प्रचार हो चुका था। लेकिन अब भारत में चाय का इतिहास ही अलग है। कहते हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महावीर जैनियों के मन उन्होंने साधना करनी शुरू कर दी। जब उन्हें भी इन पत्तियों के फायदे का मालूम हुआ, तो उन्होंने तो आसाम में जाकर इन पत्तियों की झाड़ियों की खोज ही कर डाली। कहते हैं महावीर 7 साल तक साधना करते रहे और जीवित रहने के लिए इन्हीं पत्तियों का सेवन किया। उन दिनों ग्रीन टी का ही सेवन किया जाता था। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में चाय पहुंची चीनी के व्यापार हो गए थे। चाय इंग्लैंड का फेवरेट, लेकिन यूरोप और वेस्ट में चाय कैसे पहुंची? यूरोप और वेस्ट में चाय पहुंची समुद्र के थ्रू। पहले फ्रांस, फिर इंग्लैंड और फिर जर्मनी में इसका सेवन हो गया। इंग्लैंड को चाय जापान से मिलती थी, व्यापार करना शुरू कर। लेकिन चीन का तो चाय पर दबदबा था, चीन ने इसके दाम बढ़ाने शुरू कर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो थी व्यापार के लिए, चाइना के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने के लिए इंग्लैंड ने चाइना के साथ आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। यानी कि चाय के बदले उन्होंने उनको दिया ओपियम। चीन में ओपियम दवाइयों में इस्तेमाल होने लगा और देखते ही देखते चीन की जनता इसकी आदी हो गई। लेकिन ओपियम उगाया कहाँ जाता था? ओपियम उगाया जाता था बंगाल और पटना के क्षेत्र। तो दोस्तों ये थी चाय की प्रसिद्धि की कहानी। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत में इसका उत्पादन कैसे हुआ।